लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। खबर है सतगावा से, जहां सतगावा प्रखंड के अंतर्गत कटैया पंचायत के ग्राम गजहड़ के बिरहोर टोला में बिरसा मुंडा आवास योजना में काफी अनियमितता पाई गई। वहीं वहां पर पहुंचकर जब जीप सदस्य नीतू कुमारी ने लोगों से बात किया तो सभी लोगों ने बताया कि हमारा आवास तो बना दिया, लेकिन ना उसमें अस्तर का काम किया, ना ही खिड़की लगाई और ना ही दरवाजा लगाया गया। वहीं जब हमने बात किया तो बताया कि हम लोगों का छत ढलाई का काम जो हुआ है उसमें पानी टपकता है, जिस घर में रहते हैं उसका फर्श भी नहीं बना है। वहीं लोगों को पानी की समस्या को लेकर बताया कि जब धूप रहता है तो पानी आता है, जब धूप नहीं रहता तो पानी नहीं आता। इस विषय पर जीप सदस्य नीतू कुमारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी से जाकर उनसे मुलाकात की। इस मौके पर जीप सदस्य नीतू कुमारी, MO अर्जुन कुमार, धनंजय इत्यादि आदि लोग मौजूद थे। सतगावा से कौशल पांडे की रिपोर्ट, R9 भारत। आज हम बिरहोर टोला गजहड़ में आए हुए हैं। बताया जाता है कि यहाँ इन लोगों को इंदिरावास मतलब था, लेकिन नहीं तो इसमें किसी प्रकार का सिर्फ इंदिरावास बना दिया गया। हाँ, तो प्लास्टर किया गया, नहीं तो खिड़की लगाई गई, नहीं तो इसमें दरवाजा लगाया गया। क्या है, खिड़की लगाने, केवाड़ी लगा है, संदीपाल है यहाँ। अच्छा भाई, इनको जो मिला है तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? रिसीवर होट अतीत कपाउनी। कह रहे हैं कि यहाँ हमको जानकारी मिला था, ये बात सच है? हाँ, तो इंद्रवास में मिला, जो आपको खोलने मिला, जो किवाड़े दरवाजा नहीं मिला आपको, कुछ भी कल ऐसे चुह रहा है पानी भी अंदर से, पैस हो रहा है, अंदर पानी घुस रहा है, पानी मतलब पड़ता है तो उसमें चूता है, चूता है, चूता है, पानी चूता है, मतलब आवाज सही से नहीं बनाया गया है। क्या नाम हुआ? सही से नहीं बना हुआ है तो क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, हम क्या बोलेंगे सर, देखो घर बढ़िया से सही से ढंग से नहीं बना हुआ है, अच्छा से इसको बनना चाहिए, दोबारा तो नहीं बनता है, घर तो एक ही बार बनता है, लेकिन देखो फट उठ गया। ये इंदिरावास आपको दिया था कि कोई बनवाया था? इंदिरावास दिया मिला ना था। बना था राजो। अरे हम तो बाहर में, यह मुझे नहीं है तो राजो अमीन से वही ठेका लिया था। कौची बोले तो हम तो अथी रिपोर्टिंग करे ब्लॉक में ही, महिला लोग को बात करती है। संदीपा बताते हमारा कुछ ही बोलते हैं, हमारे बातचीत नहीं लगा हुआ है, हमको खाना मिलते घर में रखते हैं, बच्चे लोग रहते हैं घर में, खा जाते हैं, हम जाते लपेटने के लिए, एक तरह उसी तो भी गेट लगे तो ठीक रहेगा, लेकिन गेट भी नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, जानवर घुस के खाना खा जाए, जानवर घुस के खा लेता है, और एक तो पानी व्यवस्था भी नहीं है, पानी तो दूर से पलाते खाने बना के खाने जाते हैं, नल जल से पानी नहीं आता, नहीं है, नहीं स्कूल में खाना नहीं भर सकता, स्कूल पानी घर से लाता है, धूप रहेगा तो आएगा पानी, यार कभी नहीं धूप रहेगा तो नहीं आता, इतना रहता है बच्चा को 10 को 12 को, उतना दूर से पानी हमको ला के ढोके हम कैसे बना कुछ पिलाएंगे, कम से कम स्कूल में पानी रहेंगे तब तो उसको बच्चा स्कूल से निकलता है, बोले बना दे दीदी है, काम कर रहा है, दीदी को निकाल देगा स्कूल के, दीदी खाना नहीं बनाते, पानी नहीं रहता है, इसलिए हमको दीदी को निकाल देगा से बोल रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ कौन है? मोहन सिंह है ना गुरु जी, सब निकाल देगा से बोल रहा है, स्कूल से निकाल देंगे, हाँ दीदी जी को हमारा निकाल देगा से बोल रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ खाना बनाता है गुरु जी, यार मान सिंह गुरु जी रहता है ना, सब पढ़ता है, ये मुझे चुन रहे हैं, कौन है? हाँ, कपड़ा बढ़ता है यहाँ, राशन भी बढ़ता है समय से, और ये घर में कितना दिन से आप रह रहे हैं, ये आवास में कितना दिन से आप रह रहे हैं? ज्यादा दिन हो गया है, कई साल, अभी तक प्लास्टर नहीं हुआ है, नहीं हुआ, और अभी केवाड़ी खिड़की लगा है, नहीं लगा, ये है हम लोग सतगावा प्रखंड के कटैया पंचायत अंतर्गत कला खैरा बिरहोर टोला में 19-20 में यह आवास बना है, बिरसा मुंडा आवास, लेकिन अभी तक आवास में ना तो किवाड़ी लगा है ना प्लास्टर हुआ है, यहाँ पूछने पे पता चला है कि ये आवास को के बनाए आपका?
अजीत बना है। अजीत बना है, कहाँ के रहने वाले हैं? वो गजहड़ के। यहाँ पर जितना आवास बना है सब वही बनाए हैं? हाँ। अजीत और आप लोग उनको केमाड़ी वगैरह लगाने के लिए बोले थे, प्लास्टर करेले बोले थे, तब क्या बोले? नहीं लगवाए। और आप इसी तरह से आप लोग रहने के लिए भी बस है ना? नीचे का फर्श भी नहीं बनाए? नहीं बनाए।